एक दिन शाम के 6 बजे कॉलेज से वापस आकर मैं अपनी सारी पुरानी चीज़ें समेट रही थी। समेटते समेटते एक कोने में मुझे दिखी मेरी स्लैम बुक। हे गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आई एम गायत्री एंड यू आर लिसनिंग टू द टेल्स ऑफ लाइफ। तो आज हमारी कहानी है स्कूल की स्लैम बुक। जैसे मुझे वो टेडी बेयर कवर की स्लैम बुक दिखी, मेरे मन में तो यादों का पहाड़ बन रहा था। सब कुछ याद आ रहा था। रोते हुए मामा के साथ स्कूल में कदम रखने से लेकर पापा के साथ स्कूल की आखिरी दिन रोते हुए घर आने तक, मामा से होमवर्क ना करने की डांट सुनने से लेकर पापा के साथ जाकर फेयरवेल के लिए बेस्ट स्लैम बुक खरीदने तक, सब कुछ याद आ रहा था। और जैसे मैंने स्लैम बुक का फर्स्ट पेज खोला, मुझे दिखी मेरी बेस्ट फ्रेंड। कैसे ना होती, स्लैम बुक खरीद कर सबसे पहले सबसे छुपा के उसके पास ही तो जाते थे, ताकि उससे पहले उस पर कोई ना लिख सके। फर्स्ट पेज तो जैसे बेस्ट फ्रेंड के लिए रिजर्व था, उसके बाद कोई भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे सब याद आने लगे। वो असेंबली में ना जाने के बहाने, वो लाइब्रेरी में टाइम पास करने के दिन, वो स्पोर्ट्स के बाद मैथ्स लेक्चर के लिए देर से जाना, लेक्चर पीरियड्स में लंच बॉक्स खाना, वो कॉरिडोर की लव स्टोरीज एंड गॉसिप, स्कूल की हैपनिंग गर्ल्स की सिल्क और परफ्यूम्स, वो लास्ट बेंच पे बैठ के टीचर पर जोक्स मारना और फिर एक साथ पकड़े जाना। पता नहीं क्यों कभी स्कूल में छुट्टी लेने का मन नहीं करता था। और स्लैम बुक के पन्ने पलटते ही दिखे वो स्वीट वर्ड्स, ऑल द बेस्ट, बी योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग और डोंट डेयर टू फॉरगेट मी। कितने स्पेशल वर्ड्स थे ना हमारे लिए। फिर याद आने लगे कि कैसे हम चलती क्लास में आधे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते थे, बेमतलब के बातों पर भी पूरा दिन हंसते थे। तब कितनी सुलझी हुई थी यार ज़िंदगी। और ये क्या, स्वीट, लविंग एंड फ्रेंडली, पर इस लड़की को तो मैं कभी पसंद ही नहीं। तो वही तो खूबी थी स्लैम बुक की। दुश्मन भी कितने स्वीट वर्ड्स लिखते थे। कितने हसीन थे ना वो पल जब हम साथ में शोर मचाते थे और टीचर आकर कहती ये क्लास है या फिश मार्केट। टीचर के वो डांट और पनिशमेंट भी अब कितने प्यारे लगते हैं। स्कूल ख़त्म होते ही स्टॉल्स में जाकर नूडल्स और पानी पूरी खाना, वो लंच ब्रेक और कैंटीन मेमोरीज, वो चिट्स पास करके बात करना, क्लास बंक करके वॉशरूम में छुप जाना, वो बर्थडे के दिन बेस्ट फ्रेंड को एक्स्ट्रा चॉकलेट देना, वो रूल्स तोड़कर स्पोर्ट्स टीचर को तंग करना और उनसे पनिशमेंट लेना, वो खेलना कूदना रूठना मनाना हंसना हंसाना, उफ़ कितने सारे यादें हैं। और मैं पहुंची स्लैम बुक की 8 पेज पर और मुझे दिखी एक फ्रेंड जिसने मेरे बारे में तो एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा जैसे मैं आज हूँ। बेस्ट फ्रेंड तो वो नहीं थी, पर शायद कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमें पहले से ही पहचानते हैं। याद कर करके रात के 8:30 बज चुके थे और मैं पहुंची स्लैम बुक की आखिरी पेज पर। मम्मा तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें भी लगा रही थी। मैं आंखों में आंसू लेकर चेहरे पर स्माइल लेकर कही, आ रही मम्मा। तो ये थी स्कूल की स्लैम बुक। कमाल है ना, सिर्फ ये एक बुक देखकर ही इतनी सारी यादें ताज़ा हो गई। आखिर स्कूल लाइफ थी यार।